सूरत में नए ओआरआ के लिए ओडिशा समुदाय के पुजारियों की मांग। पिछले कई सालों से ओवारो पितरों का तर्पण संस्कार नहीं कर पाया है। मुश्किलों के बीच हर दिन 50 से अधिक पुजारी और भक्त तर्पण करते हैं। अश्विनी कुमार में कठिन परिस्थिति और जीवन के जोखिम पर अनुष्ठा पूरा किया जाता है। 2014 से अनेक बार पेश किया गया है यह प्रस्ताव। भाजपा शासकों के राज में ओवारा को पूजन के लिए नहीं मिल रहा है ओवारा। ओडिशा समुदाय के पुजारियों के बार बार अभ्यावेदन के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रताप भाई राधाकांत पाठी। ये धरत्री नगर के बाजू में पीपी शबानी स्कूल है, विशाल नगर के सामने। वो तापी नदी के किनारे अपने पिंडदान करते थे। पहले अश्विनी कुमार बैद्यनाथ महादेव की मंदिर में पिंडदान करते थे। वहाँ बाड़ा की योजना हो गया थी, प्रॉब्लम सबको हुआ, इसलिए हम यहाँ आए। तो यहाँ 5-6 साल हो गया, सबको अर्जी दिया, कलेक्टर को, कमिश्नर साहब को, सबको अर्जी दिया, मेयर साहब को, सबको अर्जी में गांधीनगर तक दिया है, लेकिन अपना कुछ सुना ही नहीं होता है। क्या समस्या अभी होती है? समस्या तो आप देखो, अभी अपना फोटो के अंदर तो आएगा सब कुछ, जैसे कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से पानी गिर रहा है, बच्चे लोग गिर जा रहे, बूढ़े लोग भी आ रहे श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, उन लोग को चोट आता है, अपना ब्राह्मण भी 2-3 दिन पड़ गए, उन लोग भी चोट आया है, और यही हालत है। हम तो कहाँ तक गांधीनगर तक अर्जी किया, लेकिन अर्जी का आपने कुछ सुना नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है सूरत में। सरकार से क्या डिमांड है? सरकार के हमको कोई भी जगह में अपना अमरोली पोल से लेकर बराठा रोड तक कहीं पर जगह पर आप हम लोग को घाट बना के दीजिए, हम पिंडदान करेंगे। क्योंकि 50 ब्राह्मण का पेट गुजारा होता है, बच्चे लोग का। अगर ये घाट नहीं मिलता तो बच्चे लोग ब्राह्मण लोग मर जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है।